हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS हिंदी एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वह परसेंटेज का सेकंड क्लास है, ठीक है। ये बेसिक क्लास है, ठीक है। और हमारा जो परसेंटेज का फर्स्ट क्लास था वो वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास को, परसेंटेज का यह सेकेंड क्लास है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। पी इज वाट परसेंट ऑफ क्यू, क्या है पी इज वाट परसेंट ऑफ क्यू, इसको जिसको बोला सकता था बोला जा सकता है कि पी क्यू का कितना परसेंट है, पी क्यू का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, जिसको बोल सकते हैं नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसे कि भिन्न होता है, ठीक है, और कोई भी फ्रैक्शन होता है, उसका दो पार्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है क्या चीज़, अंश, जिसको नोमिनेटर बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को हर बोला जाता है, जिसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए, भिन्न का दो पार्ट होता है क्या चीज़, अंश बटे हर, दो हिस्सा होता है। ऊपर वाले हिस्सा को क्या चीज़ बोला जाता है, अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, जिसको नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। सिर्फ इस टाइप वाले क्वेश्चन को ध्यान देना है कि अगर जिस नंबर और जिस वैल्यू के साथ, जिस नंबर या जिस वैल्यू के साथ का लगा रहता है, देखिए तो का एक का लगा रहता है, जिस नंबर या वैल्यू के साथ का लगा रहता है, उसको हर में रखा जाता है। देखिए, हर हर नीचे तक तो रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और जिस नंबर या वैल्यू के साथ का नहीं लगा रहता है, उसको अंश में रखा जाता है, ठीक है। देखिए, अंश की जगह रख देते हैं, और जिसके साथ का लगा रहता है उसको हर में। और क्या चीज़ बोले थे पिछले वाला क्लास में, तो अगर जिस नंबर को, जिस फ्रैक्शन को, जिस नंबर को, जिस वैल्यू को अगर परसेंटेज में लाना है, उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए, इसको परसेंट में लाना है हमको, परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई कर दी है, बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन नजर आएगा, इजी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है कि जिस नंबर या वैल्यू के साथ का लगा रहता है, उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है, बोल सकते हैं हर में रखा जाता है, ठीक है। और जिसके साथ का नहीं लगा रहता है, उसको अंश में रखा जाता है। देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में किस वैल्यू के साथ का लगा है, तो वो कितना 100 के साथ, ठीक है, 100 के साथ का लगा है, तो बोल सकते हैं कि इसको डिनोमिनेटर में रखा जा सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में मतलब बोल सकते हैं हर में, हर तो नीचे वाले भाग को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, देखिए 100, ठीक है। और जिसके साथ का नहीं लगा रहा, तो उसको ऊपर में रखते हैं, ठीक है, ऊपर में रख दिए। और बोले थे कि परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर फ्रैक्शन को, ठीक है। कट गया, कितना गया, 20% आ गया, 20% आ गया। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 4 16 का कितना परसेंट है, 4 16 का कितना परसेंट है। देखिए, यहाँ पे का किसके साथ लगा हुआ है, हाँ 16 के साथ, 16 के साथ का लगा हुआ है, ठीक है। देखिए, कितना 16 के साथ का लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको हर में रखते हैं, देखिए 16 को हर में रखा, 16 को, 4 को तो ऊपर में रखा जाएगा, क्या किसके साथ का तो नहीं लगा हुआ है, हर में रख दिए, ठीक है। परसेंटेज मतलब लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, 4 4 16, 4 से इसको कैंसिल कर देते, कितना 25 आना, कितना 25% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चाहिए, 500 1000 का कितना परसेंट है, बोल सकते हैं कि 500 1000 का कितना प्रतिशत है। तो क्या चीज़ बोले कि जस्ट अभी अभी जस्ट बोल चुके हैं हम कि जिसके साथ का लगा रहता है, उसको हर में रखा जाता है, हर तो नीचे वाले भाग को बोला जाता है, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 1000 बाय, देखिए ऊपर में कितना 500 रहेगा, और परसेंट में लाने के लिए कितना 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, कितना 50% आ गया। देखिए, सिर्फ 50 बचा, ऊपर में 50% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़, 0.2 1 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे का किसके लगा, किसके साथ लगा हुआ है, तो 1 के साथ, तो 1 को हर में रखते हैं, ठीक है, हर में रख देते हैं। 0.2 ऊपर में रहेगा, 0.2, चलिए परसेंट में लाने के लिए कितना 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, इस पॉइंट को हटाते हैं, तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, कट गया, कितना गया, 2 10 20% आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, हमारा अगला क्वेश्चन 4th 5th 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, 0.05, ठीक है, 0.05 0.25 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, 0.25 के साथ का लगा हुआ है, उसको हर में रखते हैं, ठीक है, उसको हर में रखते हैं। देखिए, 0.25, ठीक है, और क्या चीज़, जिसके साथ का नहीं लगा रहा था, उसको अंश में रखा जाता है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। कितना 0.05, ठीक है, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, देखिए इस पॉइंट के कितना है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 2 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको भी हटाएंगे, कितना 2 0 बढ़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा क्या चीज़, 5 5 जा
25, 5 से कितना 20 बार, कितना के 20% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चाहिए हमारा। अगला क्वेश्चन, 2.5, 25 का कितना परसेंट है? तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, 25 के साथ, 25 नीचे रखते हैं, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई करते कितना 100 से, ठीक है। इसको पॉइंट कटाते कितना, जीरो 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 कट गया, कट गया। 25 25 10% आ गया, 10%। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा कितना हमारा, 0. ठीक है, 0.001 10 का कितना परसेंट प्रतिशत है, ठीक है, कितना परसेंट। जिसके साथ का लगा रहता है उसको डिनोमीटर में रखा जाता है, मतलब बोल सकते हैं हर में रखा जाता है 10। जिसके साथ का नहीं लगा रहता है उसको ऊपर में रखा जाता है। परसेंट पे लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए ठीक है। कितना जीरो बढ़ जाएगा नीचे, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 जीरो बढ़ेगा, ठीक है, 4 जीरो का देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। चलिए ये कट के देखिए, 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा है यहाँ पे, 1 बाय नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो। इसको बोल सकते हैं 0.001%, ठीक है। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान देना है कि अगर जिस नंबर के साथ जिस वैल्यू के साथ का लगा रहता है उसको हर में रखा जाता है, और जिसके साथ का नहीं लगा रहता है उसको अंश में रखा जाता है। सिर्फ यही ध्यान देना है। क्या चीज़ बोला कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देना है कि जिस नंबर के साथ का लगा रहता है उसको डिनोमिनेटर में, मतलब बोल सकते हैं हर में रखा जाता है, जिसके साथ का नहीं लगा रहता है उसको अंश में रखा जाता है नोमिनेटर में। उसके बाद क्या चीज़ कि परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। पहले थोड़ा सा टॉपिक को देख लीजिए, क्या चाहिए, कम और अधिक परसेंट वाले प्रश्न, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हम बोलेंगे कि आपसे ही पूछते हैं, ठीक है, कि बोलेंगे कि अगर 10 15 से कितना कम है, 10 15 से कितना कम है, तो आप तुरंत बताइएगा कैलकुलेशन करके कि 5 कम है। लेकिन इसको परसेंट में हम पूछते हैं, ठीक है, परसेंट में अगर पूछेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हम लोग को सॉल्व करने में, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, देखिए क्या चाहिए यहाँ पे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर भिन्न का जो होता है, भिन्न या तो फ्रैक्शन, उसका दो पार्ट होता है, क्या चाहिए, अंश बटे हर। ऊपर वाले को क्या चीज़ बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, ठीक है, हर बोला जाता है। और इसको परसेंट बना लाने के लिए कितना 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और बात है, बेसिक बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जिस जिस नंबर के बारे में या तो जिस वैल्यू के बारे में बोला जाता है उसको अंश के जगह रखा जाता है, कहाँ, अंश मतलब बोल सकते हो ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको हर में रखा जाता है, मतलब नीचे में, और क्या चीज़ परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ये हमारा है ना, इजी से बन जाएगा। देखिए क्या चीज़ बोला है, 25 20 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब बोला है कि 25 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक तो हम लोग को मालूम है कि कितना अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन कितना परसेंट में, इसको परसेंट में बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक, ठीक है। तो चलिए किसके बारे में बोला जा रहा है, 25 तो बोले थे, जिसके बारे में बोला जाता है उसको ऊपर में रखा जाता है, लेकिन 25 के बारे में बोला जा रहा है लेकिन कितना अधिक है, तो 5 अधिक है तो 5 ऊपर में रखते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे 20 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है, 20 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो 20 को नीचे रखते हैं। और परसेंट में लाने के लिए कितना 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए 0 0 खत्म, कितना 5 बार में, 5 5 से 25% का परसेंट हमारा बचा हुआ है, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब बोल रहा है कि 4 5 से कितना परसेंट कम है। तो 4 तो कम है कितना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 4 तो कम है कितना, 1 कम है, ठीक है, तो ये हम डिसाइड कर लिए 1 कम है, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है और कितना और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक, वही ध्यान देना। देखिए यहाँ पे 4 तो 4 के बारे में बोला जा रहा है, तो 4 के बारे में बोला जा रहा है लेकिन कितना कम है, तो 1 कम है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, किससे कम है, मतलब तो 5 से कम, तो 5 उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है,
परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाए, चलिए 5 से 20 बार में कट गया, कितना 20% आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज़ बोला है कि 1000 1000, ठीक है, बोला 1500 से कितना परसेंट अधिक है। देखिए 1000 तो 500 से अधिक है, 1500 से तो अधिक है, कितना 500 अधिक है, लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 500 के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है जिसके बारे में बोले हैं कि जिसके बारे में अगर बोला जाएगा उसको अंश की जगह रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसको हर में रखते हैं। ठीक है, चलिए किसके बारे में बोला जा रहा है, 1000 के बारे में बोला जा रहा है। देखिए 1000 के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो कितना कितना अधिक है, तो 500 अधिक है, माइनस करके देख लीजिएगा अपना, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो 500 तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको नीचे रखा जाता है, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए ये 0000, देखिए 5 से 5 हो गया, चलिए कितना गया, 100%, 100%, ये क्या चीज़ है, अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि 0.21 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट वाला है, इसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, अगर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसका मतलब माइनस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए माइनस कैसे करना, ये 1 है या कुछ नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट बैठा के 0 बैठा देते हैं, यहाँ पे कितना 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 0.2 लिख सकते हैं, इसको माइनस करते हैं, एक कैरी लेंगे, पैसा वाला घटा हुआ, ठीक है, कैरी वाला लेते हैं, 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, पॉइंट का पॉइंट 0, कितना गया 0.8। ठीक है, तो वही बोला है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0.21 से कितना कम है, किसके बारे में बोला जा रहा है, 0.2 के बारे में, लेकिन कम तो है, लेकिन कितना कम है, यहाँ पे देखिए अभी माइनस किया थे ना 0.8, और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए पॉइंट को हटाते हैं, अब गया कट गया, कितना गया 80%, 80% को क्या चाहिए, इससे कम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, 2.5 है, 0.5 से कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, 2.5 के बारे में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 0.2 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो जिसके बारे में बोला जाता है उसको ऊपर में रखा जाता है, बोल सकते हैं कि अंश की जगह रखा जाता है। ठीक है, देखिए तो ये कितना लेकिन अधिक है, इसको माइनस कीजिएगा, तो अपने आप माइनस कीजिए, कितना गया 2.0, इसको नहीं भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हटाइए, 2.0 हो गया, 2.0 हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 0.5 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ेगा, ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, बताइए ये तो देखिए कितना बार में, 20 बार में, 22 से 40 40%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ बोला है कि 200 500 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, 200 के बारे में, लेकिन कितना कम है, तो आप बोल सकते हैं 300 कम है, किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 500 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई भी नंबर या फ्रैक्शन को देखिए, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये 5 से कितने बार में, 20 बार में, 23 से 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है, 25 25 से कितना परसेंट अधिक है, पहले देखिए पता कीजिए कि किसके बारे में बोला जा रहा है, तो 75 के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन बेचारा ये कितना अधिक है, तो माइनस करेंगे कितना, 50 अधिक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 25 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब किससे अधिक है, तो 25 से अधिक है। यहाँ पे भी देखिए किस ये 200 है, किससे कम है, तो 500 से कम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस हो जाएगा, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, 25 का टेबल में तुरंत कट जाएगा, ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, और यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 200%, आप इधर से भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया हमारा, इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है और किसके बारे में, अगर जिसके बारे में बोला जाता है उसको ऊपर रखते हैं, लेकिन उसके बारे में बोला जाता है लेकिन कितना कम और कितना अधिक है उसको माइनस करके या प्लस करके देख लेंगे, माइनस करके उसके बाद हर में रखा जाता है, जिसके बारे में उसको मतलब जिसके बारे में बोला जाएगा उसको अंश में रखेंगे,
और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसको अंश मतलब हर में रखा जाएगा, ठीक है। और परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस एक क्वेश्चन था हमारा टाइप का, हो गया। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।